पूरा दिन बेसिकली बहुत बिजी बिजी गुजर चुका है. ये है मदर्स वर्सेस चाइल्ड. आना है कि मैं कितना तुम्हें जानती हूँ और तुम्हें ये बताना है कि तुम मुझे कितना जानती हो. कितना जानते हैं, क्या हाल है? मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ सारा दिन की. एज अ मी अगर मुझसे कोई पूछे मैं आपको फेवरेट खाना मुझे सच में जवाब देना है. वैसे बड़ी हैरानगी की बात है, खाया नहीं तभी तो पसंद है. नूडल्स आपकी मामा के साथ गुजरा खान एंड वेलकम बैक टू मेरे व्लॉग्स. वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ. तो आज का दिन पूरा दिन बेसिकली बहुत बिजी गुजर चुका है, जबकि मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, बट फॉर सम रीजंस और सम प्रॉब्लम्स मैं वीडियो नहीं बना सकी पूरे दिन में, जबकि मैंने एक और चैलेंज सोचा हुआ था, वो इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह हम करेंगे. तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है मदर्स वर्सेस चाइल्ड, जो कि होगी हम निकालेंगे क्वेश्चंस, मतलब मैं बेसिकली पूछूंगी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रॉम माय मदर कि उनके पास्ट में और उनकी जो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बारे में. दोनों का चैलेंज है ना कि मुझे ये बताना है कि मैं कितना तुम्हें जानती हूँ और तुम्हें ये बताना है कि तुम मुझे कितना जानती हो. कितना जानते हैं, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो डबल मतलब दोनों के ऊपर जारी किए जाएंगे कि वो ज़्यादा मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं, मतलब उनसे पूछा जाएगा कि भाई मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तो उस लिहाज से अगर वो सही जवाब देती हैं तो उनको पॉइंट जाएगा. तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं से पूछें कि भाई मामा जानी आपका बचपन में क्या फेवरेट कलर था, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं. तो क्योंकि हम इसमें मदद ले रहे हैं गूगली की, तो गूगली कोई भी सवाल दे सकता है, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है. सबसे पहले तो बताएं माँ जी आप कैसा फील कर रही हैं, क्या हाल है? मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ सारा दिन की. मैं अब सोना चाहती हूँ, 12:15 हो चुके हैं और मुझे बिठा लिया इसने यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए. तो अंदर के राज बता रही हूँ मैं फील कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ. हाय मिस्टर गरम गरम. ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट मील. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एज अ मी अगर मुझसे कोई पूछे, मैं खुद सिलेक्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बट ये मील है. आपका फेवरेट खाना अब मुझे बताना है, आपको बताना है, और मेरा फेवरेट आपका फेवरेट खाना आप मुझे सच में जवाब देना है. झूठ? हाँ हाँ नहीं नहीं झूठ मामा झूठ क्यों मैं बोलूंगी. हाँ मुझे आने के लिए और क्यों. अच्छा जी मैं अब आप पहले बता. हाँ, इसके लिए एक और ट्रिक होती है कि अगला बंदा झूठ ना बोले या समथिंग लाइक दिस. यस ये भी ठीक है. यस यस आप जो है वो बंदा खुद रिटर्न फॉर्म में लिख दे और बंदा अपनी पसंद का लिख दे ना. मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप लिख दे. हाँ इस पे लिख देते हैं. मैं इसका जवाब लिख चुकी हूँ, आप अपना लिखें. उधर लिखे कोई नहीं लिखा आपने, लिखे वाह. आपको क्या पसंद है वो लिखे आप अपने पास. हाँ मुझे जो पसंद है वो है. हाँ अब मामा को क्या पसंद है आपने लिखा हुआ है. अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या पसंद है. मैं हार जाऊंगी, मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हें क्या पसंद है. वैसे बड़ी हैरानगी की बात है. अच्छा चलो फिर चलो मामा को क्या पसंद है ये मेरे लिए मैं हारने वाली हूँ आप नहीं हारने वाली. ओके मामा को पसंद है बिरयानी. आप हाँ या ना मुझे जवाब देना. आप दिखाएं क्या लिखा हुआ है आपने. मिक्स चली जाए वैसे मुझे प्लेट पसंद है जिसमें के चावल टुकड़े भी होते हैं और जिसमें बिरयानी भी होती है, जिसमें कबाब भी होते हैं, जिसमें बोटी भी होती है, वो पूरा एक जो प्लेट होता है वो सबसे ज़्यादा पसंद है. खाया नहीं तभी तो पसंद है. मैं खाना चाहती हूँ अभी तक मैंने अभी वही मंगवा अभी
कोई मुझे मंगवा के देगा ना अच्छा अब मैं क्या आपको आपको तो फास्ट फूड पसंद है चाहे उसमें जो भी हो बिरयानी भी पसंद है बर्गर भी पसंद है फ्राइज भी लोडेड फ्राइज भी बहुत पसंद है पास्ता पसंदीदा रहने वाली डिश तोरियां बचपन से तोरियां स्टिल अभी तक तोरियां तो मैं बहुत पसंद है बिरयानी लोडेड फ्राइज पास्ता अबे बोले यस नूडल्स ऑलवेज नूडल्स खाती हो शौक से मम्मा डिश खाने की चीज यार नूडल खाने की चीज जो पकाई जाती है ये पकाई नहीं जाती यार नूडल्स नहीं पकाए जाते इट्स कबाब हांडी मैंने आपको बताया हुआ है चाहे हम फॉरेन चले जाएं मैं फिर भी पाकिस्तान आके रमजान होटल की कबाब हांडी जरूर खाऊंगी रमजान होटल की मशहूरी हो गई अच्छा नहीं खा मैंने हार गई हूं मैं बताया मैंने लेकिन जो कुछ मैंने बताया वो गलत था नहीं नहीं वो तो वैसे तो आपको भी पास्ता बड़ा पसंद है वैसे तो आप हार गई हो कोई बात नहीं मैं भी हार ही गई हूं मैंने बिरयानी बोला था प्लेटर अंगूठे बर्गर बच्चे ये टाई एंड डाई हो गया ठीक है व्हाट इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट यू एवर रिसीव्ड ओके आपने एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे लिए मुझे कोई कहेगा एक्सपेक्ट नहीं हालिया अभी उसने सुना तुम्हारे पापा जिस दिन क्या सबसे सब बताना नहीं है लिखूंगी ना मैं लिखूंगी मैं गेस करूंगी तुमने बताना है मेरा हाँ मैं अपना बताने लगी थी वो इतना भी तो कह रही हूँ कि नहीं बोले आपका बताऊंगी मैं हाँ मेरा बताएंगी आप कि आपको कौन सा ऐसा लगा था जुमला हाँ। भाई ये कैसे बताऊंगी मैं बात तो सही है कैसे अपने बारे में तो चलो बंदा बताए किसी के बारे में कैसे बताए ये बात तुम्हें कब किसकी बात बुरी लगी हो कब किसकी बात अच्छी लगी हो जरूर तो नहीं कि तुमने मेरे साथ शेयर की हो चले आप शेयर करें अपनी ये बात वैसे ही शेयर करें मैं भी फिर अपनी शेयर करूं हां मुझे ये था कि आपके सामने जब पापा कह रहे थे क्या कि कोई पैमाना होता मोहब्बत को नापने वाला तो मैं बताता कि मुझे अपनी वाइफ से कितनी मोहब्बत यस वो मैं भी हैरान हो गई थी मतलब पापा एक्सप्रेसिव नहीं है पापा थोड़े इंट्रोवर्ट है हमाद की तरह मतलब हमाद पापा भी क्या है तो वो थोड़े इंट्रोवर्ट है वो इजहार नहीं करते और इतने बस सबके सामने हम सब बैठे हुए थे भाई लोग भी आए हुए आप भी आए सब बैठे हुए और इसमें मतलब कहते हैं कोई पैमाना होता मेरी मोहब्बत को मतलब नापने वाला कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ नैला से तो ऐसा कोई पैमाना आज तक बना ही नहीं है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है आपको किस मंगवाया की मंगवाया जी की मंगवाया जी अच्छा अब आप बताएं आपने वो कौन आपने वो किसी ना कोई कॉम्प्लीमेंट जो अच्छा लगा होगा भी अच्छा ओए अजीब लगा हो अच्छा लगा हो नहीं किया हो ना कि हाँ भाई मुझे कोई कह सकता है वो ऐसे कहेंगे नहीं तुम्हारे माइंड में अगर कोई ऐसी बात आई है कि तुम मैंने एक्सपेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है ना मैं बात करने लगी मुझे ना हैरान बड़ी हुई मैं इस चीज पे कि मम्मा कहती कि ना मुझे किसी के साथ भी अपना खाना शेयर करना अच्छा नहीं लगता मतलब मेरे प्लेट में से कोई आके मैं खाना खा रही हूँ तो उसमें से आके चम्मच ले या मेरे दूध में मतलब इवन कि मेरे हस्बैंड भी हाँ वो अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे साथ मुझे शेयर करके खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है दैट वन थिंग कि भाई है इतना प्यार करते हैं हमसे और वो उसमें उसी में थोड़ा सा नेगेटिव भी अगर जाया जाए तो उसमें भी ये भी था कि तुम जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई वाज लाइक है मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड मुझे जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती जबकि मैं बहुत बहुत ज्यादा वाला फ्रेंड समझती हूँ असल में मैं अपने घर का वो बच्चा हूँ जो किसी से कुछ नहीं छुपाता कुछ चाहे गंदी बात है चाहे कोई अच्छी बात है मामा ये हुआ है भाई ये हुआ है पापा ये हुआ है सब चीज में जाके सबके 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 सामने जाके रख देती हूँ ये ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम एक दूसरे से पूछे ये ठीक है ना If you could change one thing about the way that you were raised, what would it will be? मतलब कि चीज आप जो चेंज करना चाहती वो क्या? हाँ एक दफा कहने से बात मान लिया करें दस दफा कहना पड़ता है ये ग्लास उठा लो
गुजर के चली जाएगी, कल ये गिलास लेती जाओ यार, गिलास लेती जाओ, 10 दफा कहते रहो सोने की नहीं, वापस आएगी अपनी मर्जी से फिर गिलास उठा के लेके जाएगी। ये चीज वो भी कल परसों, मतलब 2 दिन गुजर जाएंगे उसको वही पड़े हुए, फिर ओ मम्मा ने मुझे कहा था ऐसा चीज हो वो चेंज करना चाहूँ आप में। फिर कोई चीज तुम्हें अच्छी भी नहीं लगती तो अच्छी ही सारी लगती है, तभी सोचने का टाइम लग रहा है। लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में कि भाई मेरे अंदर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो उसको बुरी लग रही है। बातें उनको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बात का जवाब दे। अच्छा, बात का जवाब ये है कि इफ आई कुड चेंज वन थिंग होती तो वो होती वो आप ही में ना, कि आपका जो है ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपकी मामा के साथ गुजरा होता। आप चेंज कर सकती तो ये मैं ये चीज चेंज कर, मुझे मेरी माँ के पास रहने दे, ज्यादा टाइम मिलता, मतलब उनके साथ ज्यादा आपका वक्त गुजरता, क्योंकि वो जल्दी चली गई थी तो वो उनका टाइम जो है वो ज्यादा आपको मिलता। अगर वो टाइम उनके साथ आपको ज्यादा मिलता, आपका तरबियत ज्यादा अच्छी होती, आपकी लाइफ आज बहुत अच्छी गुजर रही। क्या मतलब बहुत ज्यादा कमी है, मतलब मम्मी या बीवी के लिहाज से ना उनके साथ ज्यादा। वैसे मुझे कदम कदम पे वाकई अपनी माँ की कमी हमेशा महसूस हुई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मम्मा चली गई थी। मैं समझती हूँ कि बेटियों को बहुत ज्यादा अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि कदम कदम पे माँ की रहनुमाई चाहिए होती है ना, शेयर कर सके और जहाँ वो गाइड कर सके। चलो की बातें उन्हें सुनने में कुछ खुशखबरी नहीं है, मैं जानबूझ के आंख मारी है पहले कि मैं मजाक करने लगी। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम था। आमीन। Tell me about an event in your life that changed you, that you ever, that you were never the same after. ना आता मेरी लाइफ में, मतलब हाँ मेरी आप ही की शादी, मेरी अपनी शादी। शादी से पहले इतनी अच्छी लाइफ होती है यार, बेटी की आजाद, अपने माँ बाप के सर से, मेरे माँ बाप के से बड़ा कोई भाई भी नहीं था तो मैं तो थी आज़ाद। हाँ। तो शादी के बाद, फिर शादी के बाद फिर अपने हस्बैंड की अतात फर्ज है ना, वो करनी पड़ती है, फिर अपनी पसंद अपनी खुशियां खत्म हो जाती हैं, फिर आप परिवार थोड़ी के बच्चे जल्दी हो गई 19 एज में शादी हो गई तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने कहा था ना कि बच्चे हो जाते हैं तो फिर माँ अपनी ख्वाहिशात छोड़ देती है, मुझे वो बहुत हर्ट करती है। बच्चों के लिए जीना होता है ना, सारी लाइफ पर ऐसी गुजर जाती है, तो अपने ड्रीम्स अच्छा था शादी ना होती तो वो आजाद लाइफ गुजरती है, हंसते खेलते, लेकिन शादी होना बहुत जरूरी है। ससुराली ऐसे मिले जो बाउंड ना करें तो फिर लाइफ ज्यादा अच्छी गुजरती है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मेरे ससुराली भी बहुत अच्छे थे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। बाउंडिंग जो लाइफ मतलब ऐसी चेंज बिल्कुल हो गई थी वो आपकी शादी थी। उस दिन ऐसे जैसे मेरे ऊपर ना पूरी कयामत टूट पड़ी थी, लेकिन अगर वो वाली बात आ जाती है उस लिहाज से भी देखा जाए तो मेरे जो जीजू हैं, जो भाई हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। ये नहीं कि अब शादी होगी तो भाई अभी तक मुझे दुख है, आज तो मैं खुश हूँ क्योंकि शादी हुई हुई है, अच्छे घर में हुई हुई है, अच्छे हस्बैंड है, सारा कुछ ठीक है, रोज मिलाने आते हैं, बिल्कुल स्पेशल ले। अच्छा उसको ऐसा कर आप थरू सारा कुछ डालूगी, लेकिन डालूगी। अच्छा उसका ऐसा कर यार, नीचे सब कुछ जल रहा है, मैंने वही डालूंगी, वही डालूंगी। आपकी अंगूठी लगी है, मैंने कब कहा है कि मेरा सर लगा है। मैंने अपनी माँ से भी छुपाया। देखो इसमें क्या। अच्छा अब हम जब खाना छाना खा चुके हैं और दोबारा से ऑनलाइन रीस्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से ऑनलाइन है। हाँ दोबारा से ऑनलाइन हो गए हैं बस। हाँ। अब तो मजाक कर रहा था, 2-3 सवाल किए हैं बस बस, वो ज्यादा लंबी हो रही है और करने चलो करो।
If you want part 2, so let me know in the comment section. अगर आप ज़्यादा सारे likes करते हैं, ज़्यादा सारे comments करते हैं, तो I will force her to make another part of this video. Inshallah, see you in the next vlog. If you like it, don't forget to like, share, subscribe, and that's it for the day. See you in the next vlog. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. Bye bye. Take care. Allah Hafiz. आप परे हुए, मैं कर रही हूँ. मतलब आप कुछ और करें ना, आप ऐसे वो ऐसे ऐसे वाला करें. नहीं नहीं ये ऐसे तो तेरे बाप के सामने कभी नहीं शर्माई. मतलब ऐसे ऐसे